महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले से जहां महाराष्ट्र सरकार को थोड़ी राहत दी है तो थोड़ी परेशानी भी बढ़ाई है। तो मराठाओं के आरक्षण पर कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण को लेकर पिछले साल बड़ा आंदोलन हुआ, जिसे लेकर मुंबई से लेकर सोलापुर तक लोग सड़क पर उतर आए और सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की गई। कई दिनों तक चले लंबे आंदोलन के बाद पिछले साल ही 30 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत मराठाओं के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 16% आरक्षण का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके बाद मराठाओं के तो चेहरे खिल गए, मगर कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में कई याचिकाएं भी दायर की गई, जिस पर सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि आरक्षण केवल मराठा समुदाय के उन लोगों को दिया गया जो लंबे समय से उपेक्षित हैं। आरक्षण पर जारी रार के बीच अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज महाराष्ट्र सरकार की ओर से मराठाओं को दिए गए आरक्षण को जायज करार दिया, लेकिन उसे घटा भी दिया गया। कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों और शिक्षा में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि मराठा आरक्षण को 16% से घटाकर 12 या 13% करना चाहिए। यानी कोर्ट ने सरकार को थोड़ी राहत दी है तो थोड़ी परेशानी भी खड़ी कर दी है। डिवलाइफ की रिपोर्ट।